हरे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, फेसबुक पे समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं। शिवानी जी भगत, चेतना जी, शशि भगत जी, संतोष प्रणामी जी जयपुर, बबला प्रणामी जी श्री गंगानगर, इंदिरा पटेल जी, किरण मित्तल जी, आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ मिलके धाम धनी जी के चरणों में वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपने चित्त को श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में लेके चलते हैं, जहाँ हक की सूरत निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी 11 साल लीला करके और आज साक्षात स्वरूप में श्री गुम्मट जी के अंदर, श्री बंगला जी के अंदर साक्षात स्वरूप में विराजमान है। अगर हम हृदय से देखें, आत्म दृष्टि से देखें तो आइए लाडले सुंदर साहब जी। अपना बना के तू ने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। ऐसे सृजित साहेब जी अक्षरातीत धाम धनी ने हम सब आत्माओं को अपनाया, आइए उन्हीं के चरणों में वंदना करते हुए। श्री वंदो सती गुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम, आशोभरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करी त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरी विनती है श्यामा महारानी, कृपा बर साए रखना, मेहर बर साए रखना। ओ मेरी विनती है श्यामा महारानी, कृपा बर
साए रखना, मैं हर बार साए रखना, मुझे तेरा ही भरोसा महारानी, मुझे तेरा ही भरोसा श्यामा रानी, अपना बनाए रखना, प्यार बर साए रखना, मेरी विनती है श्यामा महारानी, मेरी विनती है श्यामा महारानी, कृपा बर साए रखना, प्यार बर साए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, कृपा बर साए रखना, चरणों से लगाए रखना, प्यार बर साए रखना, मेरी विनती है श्यामा महारानी, मेरी विनती है श्यामा महारानी, कृपा बर साए रखना, मैं हर बर साए रखना, प्यार बर साए रखना, आत्म को जगाए रखना, मुझे तेरा ही भरोसा महारानी, मुझे तेरा ही भरोसा महारानी, कृपा बर साए रखना, मैं हर बर साए रखना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी फेसबुक पे सुन रहे सुंदर साथ, और इधर जूम पे सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, हम श्री प्रकाश हिंदी ग्रंथ की चर्चा का रसपान कर रहे हैं। आइए लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से श्री इंद्रावती जी की आत्म ने मत्सर हंकार को कितना फटकारा, और उनको कहा कि आप धनी जी के चरणों में लग जाओ, मद नहीं महामद चढ़ाओ, लेकिन हंकार को कहा कि जब धाम धनी की मैं ले लोगे ना, तो धाम धनी की मैं आएगी तो वो कोई गुनाह नहीं कराएगी, क्योंकि श्री महामद कहे मैं हक की पहुंची बक्का में, ए मैं असल अरश की, ए मैं मोमिनों से। जब हमारे अंदर इस झूठे संसार का हंकार छूट जाए, अपने रूप का, अपने धन का, मान का, प्रतिष्ठा का, पोस्ट का, यही तो हंकार है ना अंदर, अगर ये सब खत्म हो जाए और धनी की मैं को ले लें, क्योंकि धनी जी ने कहा मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना, मैं से जब तक परम धाम की मैं हृदय में नहीं आती लाडले सुंदर साहब जी, तब तक ये मैं नहीं मरती, और इस मैं को मारने के लिए हमें धाम धनी की मैं का सहारा लेना होगा, है ना सुंदर साहब जी, कि मैं तो धाम धनी की अंगना, मेरे प्रीतम मेरे धाम दुल्हा, मेरे अक्षरातीत धनी कि मैं अर्धंगनी हूँ, श्री राज्य की मैं के आते ही संसार की मैं छूट जाती है सुंदर साहब जी, और आत्मा उस अध्यात्म के शिखर पे जा पहुंचती है।
इसी कोई खिलवत वाणी के अंदर में सृजी साहेब जी फरमाते हैं सुंदर साहब जी कि मारिया कहा काडिया कहा हो जुदा, यही मैं मारी चाहिए तो वाकी रेया खुदा। मारिया कहा श्री इंद्रावती जी ने मैं के कितने प्रकरण खिलवत ग्रंथ के अंदर रखे कि मैं को मोड़ना है। श्री इंद्रावती जी ने कहा हम कह देते हैं मारिया कहा, कह देते हैं कि मैंने तो मेरी मैं को मार दिया, और फिर कह देते हैं मैंने तो मेरी मैं को काट दिया, मतलब निकाल दिया। मारिया कहा काढ़िया कहा हो जुदा, हम कहते हैं अब तो मेरे अंदर मेरी मैं है ही नहीं, मैंने तो मेरी मैं को बिल्कुल जुदा ही कर दिया, अलग कर दिया। तो आगे श्री इंद्रावती जी ने कहा जो अंदर खड़ी होके बोल रही है ना कि मैंने मैं को मार दिया, मैंने मैं को काट दिया मतलब निकाल दिया, मारिया कहा काढ़िया कहा हो जुदा, कि मैंने तो मेरी मैं को अब जुदा कर दिया है, अलग कर दिया है, अब मेरे अंदर रंचक मात्र भी मेरी मैं नहीं है। तो श्री इंद्रावती जी ने उस मैं को कहा यही मैं मारी चाहिए, जो अंदर खड़ी हो, खड़ी है ना, खड़ी नहीं होती तो बोलता कौन, फिर तो बिल्कुल साइलेंट हो जाते, लेकिन अंदर जो खड़ी थी ना मैं, वो बोल रही थी ये तीन अक्षर मारिया काढ़िया जुदा, ये वो बोल रही थी। तो श्री इंद्रावती जी ने कहा यही मैं मारी चाहिए, जो बोल रही है ना इसी मैं को मारना है, अगर ये ही मैं मर गई तो बाकी रहा खुदा, अगर अंदर मैं नहीं होती तो फिर बोलती नहीं, फिर तो जो कुछ कर रही हैं सब कौन कर रहे हैं, श्री राजी महाराज कर रहे हैं, और जब श्री राजी महाराज ही सब कुछ कर रही हैं तो फिर कहने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो श्री इंद्रावती जी कल समझा रही थी मद मत्सर अहंकार को, कल हमने सुना था कि मद को कितना सुंदर समझाया कि यहाँ का मद मद कहलाता है ना, अहंकार का भी बड़ा रूप, और महामती कहती है मद क्यों महामद चढ़ाओ, मद क्यों श्री महामत महामद चढ़ियो, आयो धाम को अहमद, मेरे को तो महामद चढ़ा कि मेरे पास तो श्यामा जी आई हैं सतगुरु बन के, मैं तो धाम धनी की अंगना हूँ, मेरे प्रीतम आ गए हैं मेरे पास हैं, वो वाला चढ़ाओ ना, तो उसके अंदर कोई गुनाह नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि गलती कब होती है जब हम अपनी मैं को बोलती हैं। और एक श्री जी साहिब जी ने सिंगार ग्रंथ में चौपाई रखी है जब रूह को जगावे हुक्म तो रूह आपे छिप जाए, जब रूह को जगावे हुक्म, जब आत्मा को श्री राजी महाराज का हुक्म जागृत कर देता है ना तो रूह आपे छिप जाए, तो वो रूह हुक्म के पीछे छिपी रहती है, वो जो भी बोलेगी कोई पूछेगा ये कैसे किया, ये आपने पाठ रखे हैं, अरे हमने कहाँ पाठ रखे, ये तो सतगुरु महाराज श्री जी की अपार कृपा से ये हमने पाठ रखे, आपने पाठ पढ़ लिए, अरे हम कहाँ पढ़ सकते हैं, ये तो परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी की अपार कृपा से हम सुंदर साथ बैठते हैं, हम पढ़ नहीं रहे वो हमसे पढ़वा रहे हैं, अरे आपने इतनी सेवा करी, अरे हम कहाँ सेवा कर रहे हैं, ये तो हमारे सतगुरु जी स्वयं हृदय के अंदर विराजमान होके ये सेवा करवा रहे हैं, आपको तो बड़ी लगन लग गई, अरे मेरा जीव ढीठ कहाँ लगने वाला, ये तो सतगुरु जी की अपार कृपा है, धाम धनी की अपार कृपा है जिन्होंने मुझे अपना बना लिया। तो जब रूह को जगावे हुक्म तो रूह आपे छिप जाए, जब आत्मा जागृत हो जाएगी श्री इंद्रावती जी ने कहा, तो जागृत होने के बाद वो हुक्म के पीछे छिपी रहती है, हुक्म को आगे कर देती है, खुद उसके पीछे छिप जाती है,
और जब धाम धनी के हुक्म को आगे कर देंगे, हम पीछे छिपे रहेंगे, तो फिर कोई भी गुना इन मैं में गुना कोई नहीं, इस मैं के अंदर कोई गुना नहीं है। कौन सी मैं आ जाए? जब धाम धनी की मैं हृदय के अंदर आ जाए, जब प्रीतम की मैं अंदर आ जाए, तो लड़ले सुंदर साथ जी, धनी ने कहा इस संसार की वस्तुओं के लिए क्या ईर्ष्या करना कि उसने कितना सुंदर पहन रखा है, उसकी कोठी कितनी सुंदर है, उसकी गाड़ी कितनी सुंदर है, इन चीजों के लिए क्या ईर्ष्या करना। ईर्ष्या भी अंदर प्रकट हो कि वो कितनी सेवा करती हैं, तन से, मन से, धन से, कितनी धनी पे समर्पित है, मुझे भी उसी की तरह समर्पित होना है, ए धनी मुझे भी वैसा ही बना लो। तो कल हमने विस्तार पूर्वक सुना था कि किस प्रकार से शिरजी साहिब जी मद, मत्सर और अहंकार को धनी जी के चरणों में मोड़ रहे हैं, क्योंकि ये तीनों योद्धा बड़े पावरफुल हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। तो इन तीनों ने कल कहा था, तीनों योद्धा बड़े जोरावर, हम तीनों की राह एक, धनी आत्म से क्यों ना एक छूटे, जो पड़े विघन अनेक, जो पड़े विघन अनेक, सहज स्वभाव फिट फिट तुमको, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम धनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी, धाम दुल्हा अक्षरातीत प्रीतम श्री इंद्रावती जी के हृदय में साक्षात विराजमान होके एक एक गुण को धनी की तरफ मोड़ रहे हैं। ये गुण अगर माया की तरफ लगे हुए हैं तो ये अवगुण बन जाते हैं, और यही गुण जब धनी की तरफ लग जाते हैं तो ये गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमें श्री इंद्रावती जी की आत्म एक ही बात समझा रही है कि इन सब गुणों को हम धाम धनी जी के चरणों में मोड़ दें, धनी के चरणों में मोड़ देंगे तो हम धन्य धन्य हो जाएंगे, है ना सुंदर साथ जी। फरमा रहे हैं, सहज स्वभाव फिट फिट तुमको, श्री इंद्रावती जी कहती हैं, ए मेरी सहजता, ए मेरे स्वभाव, तुम्हें धिक्कार है, ऐसे सुर सुभट, कहते तुम दोनों बहुत ही बड़े शूरवीर हो, और माया के प्रति तुम पूर्ण रूप से लग गए ना, शूरवीरता किधर दिखा रही है, तुम शूरवीर तो हो, मेरी सहजता, मेरे स्वभाव, तुम शूरवीर हो, पर हमारा स्वभाव ही बन गया सहजता से माया के अंदर रहने का, सहजता से संसार के अंदर रहने का स्वभाव ही बन गया। सांचे तुम हुए माया सो, मोसो मिले कपट, कहते सच्चे रूप से तो तुम माया के साथ लगे हुए हो और मेरे साथ कपट कर रहे हो, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, प्रेम शक्ति एवं आनंद की प्राप्ति हृदय की मूल चाहत होती है। प्रेम शक्ति आनंद हमें मिल जाए, है ना, हमारी सब आत्माओं की मूल चाहत है, और ये हमारा स्वभाव, मूल से हमारा स्वभाव यही है, पर माया के अंदर जब लग गए, कहते इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने स्वभाव को स्थिर रखना होगा, धनी के चरणों में जोड़ना होगा, है ना, और प्रेम शांति और आनंद की इच्छा का जो मूल स्वभाव है ना सुंदर साथ जी, ये अगर धनी के चरणों में लग जाए कि हमारा स्वभाव ही बन जाए धनी से प्यार करना, है ना, जिसका स्वभाव जैसा होता है वो बदलता नहीं है ना, स्वभाव ही बन जाए सुंदर साथ से प्यार करना, प्रीतम से प्यार करना, है वो शक्ति आ जाए हमारे अंदर, और धाम धनी से शांति पूर्वक हमारा स्वभाव लगा ही रहे,
धनी के चरणों में शांति पूर्वक उसका उसका स्वभाव स्वभाव को कह रहे तू ऐसा बन जा कि तू लग जा धनी के चरणों में, तू इतना बड़ा सुरमय। क्योंकि जिसका जो स्वभाव होता है ना सुंदर साहब जी, वो कभी भी बदलता नहीं है। और हमारा मूल स्वभाव, हम अगर परम धाम से आए हैं तो हमारे स्वभाव के अंदर ही प्रेम शक्ति आनंद की प्राप्ति करना हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हमें प्यार मिले, हमें शांति मिले, हमें शक्ति मिले, ये स्वभाव हमारा बन जाए। मूर्ख मोड़ करी तुम दुष्टाई, हुए नहीं स्वामी धर्म। कहते हे मूर्खों, मूड सहजता और स्वभाव, तुमने बहुत अधिक दुष्टता का काम किया है। तुमने अपने स्वामी जीव के प्रति अपने धर्म का पालन नहीं किया। मूर्ख मोड करी तुम ऐसी, दिख दिख चंडाल अकर्मी। कहते तुम चंडाल के समान हो, तुम कर्महीन हो। हमारे स्वभाव को लगना चाहिए था धनी के चरणों में, पर हमारा स्वभाव हमें कहाँ डुबो रहा है। हम स्वभाव के कारण ही माया के अंदर डूबते चले जा रहे हैं। जो दादो जोरावर मेरे, तुम तरफ हो जिनकी। श्री इंद्रावती जी की आत्म ने कहा, सहजता स्वभाव तुम दोनों बहुत शक्तिशाली जोरावर योद्धा हो, तुम शूरवीर हो। तुम जिसकी तरफ हो जाओ, तुम स्वभाव ही अपना बना लो सेवा करने का, प्यार करने का, आनंद देने का, आनंद लेने का, आनंद की बारिश करने का स्वभाव ही बना लो। तो जब ये स्वभाव ही बन जाएगा तो सहजता अपने आप हृदय में आ जाएगी। फिर हमें ये करना नहीं पड़ेगा, ये सहजता से ही हमारा स्वभाव बन गया है भाई। राजी महाराज के चरणों में बैठना, वाणी चर्चा करना, पाठ पढ़ना, सुंदर साथ के साथ प्यार करना, ये स्वभाव सहजता के साथ ही बन जाएगा। तो सिरजी साहेब जी ने कहा, तुम बहुत बड़े शूरवीर हो, सुरमा हो, तो तुम अपने स्वामी के विद्रोही क्यों बन रहे हो? तुम्हें अपने स्वामी का कहना मानना चाहिए ना, कि जो जीव का स्वभाव है, जिसको जीव को हृदय में आनंद कब मिलेगा, जब जो उसकी चाहत है ना, जीव के हृदय की चाहत, चाहत क्या है कि मुझे शांति मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे प्रेम मिले, और यही मैं सबको देऊं और यही मुझे मिले। पर अगर हम माया के अंदर हमारा स्वभाव लग जाता है तो हम डूब जाते हैं। जो दादो जोरावर मेरे, तुम तरफ हो जिनकी। कहते स्वभाव और सहजता, तुम जिसकी तरफ हो जाओ। अनेक उपाय करे जो कोई, पर जीत होवे तिनकी। अनेक को कोई उपाय कर ले, पर जीत किसकी होगी? स्वभाव की जीत होगी, सहजता की जीत होगी, है ना सुंदर साहब जी। अब तुमको कहूं खींच के, तुम हो जाओ सावधान। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं कि मैं बड़ा क्रोध करके खींच के कह रही हूं कि तुम दोनों सावधान हो जाओ। दोनों प्रेम प्यूर दे लपटाओ। कहते प्रेम से स्वभाव ये बना लो कि हम प्रेम से धनी के गले से लिपट जाएं, स्वभाव ही बन जाए सहजता से। रोज श्री राजी महाराज से मिलने का हमारा स्वभाव ही बन जाए कि हमें तो धनी जी से मिलना है, प्रीतम से मिलना है, और वास्तव में स्वभाव बन जाता है और सहजता से फिर करना नहीं पड़ता, फिर ये अपने आप होता जाता है। जब हृदय को आदत ही पड़ गई, स्वभाव ही बन गया हमारा, हमारा स्वभाव ही बन गया कि हमें सुबह उठ के श्री राजी महाराज के चरणों में जाना है, उनको जाके मत्था टेकना है, प्रणाम करनी है, उनसे घुटके मिली मिली करनी है, अपनी श्यामा जी से, अपने राजी महाराज से। क्यों? हमारे प्रीतम है, हम क्यों ना मिली मिली करें उनसे, गले लग के मिलना है हमें जाके प्रातःकाल। क्योंकि जैसे ही हम चरणों में प्रणाम करते हैं, धनी उठा के हमें गले से लगा लेते हैं, है ना।
और मिलना है हमें धनी से जाके। श्री इंद्रावती जी की आत्म फरमा रही है कि स्वभाव तुम मुड़ जाओ, कौन सी तरफ में मोड़ दो अपने आप को, अपने आप को धनी जी के चरणों में, है ना। और अब तुमको कहूं खींच के, तुम हो जाओ सावधान। मैं खींच के कह रही हूं, लड़के कह रही हूं, सावधान हो जाओ। आलिंगन ही लेना है, गले ही मिलना है, तो इस माया की तरफ अपने स्वभाव को क्यों लगा रखा है। प्रेम में पियो हृदय लपटाओ, प्रेम से प्रीतम के गले लग जाओ। जिन करो किन की कान, कहते हैं इसके अतिरिक्त किसी की कोई बात पर जरा भी ध्यान ना दो। हमारा स्वभाव क्या है, जरा सा हम पाठ कर रहे हो, कोई आवाज लगा दे, कोई जरा सा कुछ कह दे, तो स्वभाव के अनुसार हम एकदम विचलित हो जाते हैं। श्री इंद्रावती जी ने कहा स्वभाव बना लो, धनी जी से गले मिल रही हो, धनी से प्यार कर रहे हो, धनी का चितवन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, वाणी पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई भी कुछ बोल रहा है, ये स्वभाव तू बार मुड़ के भी मत देख, पीछे मुड़ के भी नहीं देख। श्री महामत कह पीछा ना देखिए, नहीं किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवा। महामती ने कहा पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, अपना स्वभाव बना लो धनी से लिपट के रहने का, धनी के गले मिलने का, और किसी की बात को भी कानों से मत सुनो, कहां लगे रहो, धनी जी के चरणों में लग जाओ। सहज स्वभाव दो हम बलिए, सारे गुण श्री इंद्रावती जी को पूरा जवाब देते हैं और उनका समर्थन करते हैं लाडले सुंदर साथ जी। अब सहज स्वभाव ने कहा कि आपने सही बोला है, हम बहुत बलशाली हैं, कोई करे जो कोट उपाय। सहजता और स्वभाव ने कहा आपने श्री इंद्रावती जी सही बोला है कि कोई करोड़ों उपाय कर ले हमारे स्वभाव को बदलने के लिए। पकड़े बात जो हम सांची, जिस सच्ची बात के पीछे हम लग जाएं कि हमारा स्वभाव है कि हम प्रातःकाल उठेंगे, स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद हम धनी जी की पहले सेवा पूजा करेंगे, पहले धनी जी के चरणों में बैठ के तारतम की माला करेंगे, धनी जी के चरणों में बैठ के वाणी पढ़ेंगे, कितना भी कोई शोर मचा ले, तो सहज स्वभाव कहते हैं हमारी आदत क्या है, पकड़े बात जो हम सांची, सच्ची बात जो हम एक बार पकड़ लें, सो लोपी किनु ना जाए। तो कहते हमसे वह बात किसी भी स्थिति में छुड़ाई नहीं जा सकती। हमारा स्वभाव कोई बदलना चाहे, भाई तुम उठे हो, किसी के घर भी हम जाएं, स्वभाव कहता है किसी के घर भी हम जाएं और वहां जाएं और हम उठ के स्नान कर लें, और स्नान करने के बाद हमें उठते ही वो कहें आइए आइए डाइनिंग टेबल पे आपका नाश्ता लग गया। तो जो हमारा स्वभाव क्या बना हुआ है, प्रातःकाल नहाते ही धनी के चरणों में जाना, जाके सष्टांग दंडवत प्रणाम करना, प्रणाम करके उनके चरणों का आनंद लेते हुए उनका पहले सेवा पूजा करना, उनको रिझाना, फिर वाणी पढ़ना, है ना, उसके बाद हम कुछ लेते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ये सहजता से ही हमारा स्वभाव बन गया। तो कहते किनु लोपी ना जाए, कहते किसी भी स्थिति के अंदर ये बात हमसे कोई छुड़ा नहीं सकता। विचार कीजिए सुंदर साथ जी, अपना जो ये छोटा सा भी नियम है चाहे प्रातःकाल का, तो कोई छुड़ाना चाहे प्रातःकाल, कोई जबरदस्ती हमें आलू के परांठे, दही लगा के और नाश्ता लगा के हमारे आगे थाली क्यों ना रख दे, है ना, कितने प्रकार के नाश्ते डाइनिंग टेबल पे सजा दे और हमें कह दे कि पहले आप नाश्ता कर लो, फिर आप मंदिर में जाना, फिर आप तारतम का पाठ करना, ये ठंडे हो जाएंगे, है ना, ये चाय ठंडी हो जाएगी, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। सहजता स्वभाव ने कहा जो हम सच्ची बात एक बार पकड़ लेते हैं, सच्ची राह पे चल पड़ते हैं ना, तो लाख कोई कोशिश करे फिर हमारे स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता।
ये धाम धनी की अपरंपार कृपा हो तब हम ऐसे नियम का पालन कर सकते हैं। स्वभाव ने कहा, सहजता ने कहा, आपने सच बोला है कि हम बहुत ही बलशाली हैं। हमारा जो स्वभाव बन गया, जिस तरह जो सेवा करने का, जो सुंदर साथ से प्यार करने का, जो सुंदर साथ के ऊपर कुर्बान होने का, तन से मन से धन से, है ना, जैसा राजजी महाराज ने सहजता के साथ स्वभाव बना दिया, अब उसको कोई भी छुड़ा नहीं सकता। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की चाल ये, धनी सो करना प्रेम, परम धाम में पहुंचकर पूरे होवे नेम। परम धाम की आत्माओं की ये चाल है कि वो धनी से जो प्रेम का नियम बना चुकी हैं, वो नियम यहाँ नहीं टूटेगा। प्यार करने का हमारा स्वभाव धनी ने बनाया और सहजता से अपना बना लिया, इसीलिए हम धनी को कह रहे थे अपना बना कि तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। क्या थी मैं क्या बनी हूँ ये बात मैं ना भूलूं, क्या थी मैं क्या बनी हूँ ये बात मैं ना भूलूं, तूने मुझे बनाया औकात मैं ना भूलूं, जो कुछ है पास मेरे, जो कुछ है पास मेरे, सब आपने दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। कभी इम्तिहान लेना ऐसे ही बख्शी जाऊं, कभी इम्तिहान लेना ऐसे ही बख्शी जाऊं, बल दे दो पिया जी इतना तेरी प्रीत मैं निभाऊं, बल दे दो पिया जी इतना तेरी प्रीत मैं निभाऊं, तेरी रहमतों का सागर, तेरी रहमतों ने आकर मुझको बचा लिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है, तेरी रहमतों का सागर, तेरी रहमतों का सागर मैंने सदा पिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी,
अब देखियो जीव जोर हमारा पियो पकड़ देवे एकांत पूरा पास देव रंग लाखी सो क्यों ना उछते भांत। इन्होंने कहा दोनों ने सहजता और स्वभाव ने कि अब आप हमारी ताकत को देखना, अब हमारे स्वभाव से सहजता से ही हम धाम धनी के चरण कमल पकड़ के और आपको दे देंगे। ए जीव अब देखना ऐसा पक्का रंग चढ़ेगा जो रंग कभी उतरेगा भी नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो क्यों ना उचते भात अब देखियो जीव हमारा पियू पकड़ देवे एकांत पूरा पास देऊं रंग लाखी सो क्यों ना उचते भात। सो क्यों ना उचते भात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फेसबुक पे चर्चा सुन रहे, इधर जूम पे चर्चा सुन रहे, समस्त सुंदर साथ देश विदेश में बैठ के इस वाणी चर्चा का आनंद ले रहे हैं। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी।